नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी वी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करती हूँ। सभी दर्शकों, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, हमें फीडबैक देते हो, नई नई रेसिपी के बारे में आप जानते हो, हमारी वीडियो देखते हो और फिर आप भी खुद बना के हमें रिव्यू भी देते हो कि अच्छी बनी है, बहुत घर में सबको पसंद आई है। तो ये जो कैरेट है, तो ये कैरेट ऐसे हैं कि जो सीजनल नहीं है, पूरे साल मिलते हैं। हमारे अहमदाबाद के मार्केट जो है, बड़ा मार्केट, वहाँ पे 365 डे ये ऑरेंज कलर के कैरेट मिलते हैं। तो ये कैरेट का मैं आज हलवा बना रही हूँ। तो इसके लिए हमें सीजन में जो कैरेट आते हैं उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है। अहमदाबाद में तो क्या सभी जगह पे ये ऑरेंज कलर के जो कैरेट है वो पूरी साल में मिलते हैं। तो इसको मैं इसका मैं आज हलवा बना रही हूँ। पहले जब हम हलवा बनाते थे तो बहुत सारा दूध, बहुत सारा मावा, बहुत सारी चीनी, इतना डाल के दो दो तीन तीन घंटे हम गैस पे उबाल उबाल करते थे। और अभी देखो, ये न्यू डाइट सिस्टम के आने के बाद दिमाग जो है उसकी सभी बत्तियाँ, सबकी बारियाँ इतनी खुल गई है कि हमें पता चल गया है कि हमें पका के नहीं खाना है। सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, आज हो, कल हो, कभी भी शादी में जाना हो या किसी के फंक्शन में जाना हो, पार्टी में जाना हो, पेट हमारा है, हमें सोच समझ के खाना है कि क्या पेट में डालना है, क्या नहीं खाना है। ये जो कैरेट है वो इतने मीठे होते हैं कि आप इसकी पतली पतली स्लाइड्स करके आप सलाद में भी खा सकते हो। इसको, इसका आप जूस भी बना सकते हो, इसकी वैरायटी आप कुछ भी बना सकते हो, इसकी अचार भी बना सकते हैं, इसकी सब्जी भी बना सकते हैं। मुझे कोई भी एक इंग्रेडिएंट्स दे दे तो भी मैं उससे 4-5-6 वानगी बना सकती हूँ, क्योंकि पूरे दिन दिमाग में एक ही बात आती है कि सबको खिलाना है टेस्टी बना के और गैस नहीं चालू करना है, हमारी हेल्थ बहुत अच्छी रहनी चाहिए। तो देखो, ये इतना मस्त गाजर है, एकदम कलरफुल है। परमात्मा ने हमारी जो जिंदगी है वो कलरफुल बनाने के लिए, हमें आनंद करने के लिए, हमें प्रेम करने के लिए हमें पृथ्वी पे भेजा है, नहीं कि हमें डायबिटीज़ हो जाए, सुबह गोली, शाम को गोली गोली, रात को गोली, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, ये सब के चक्कर में हम पूरी जिंदगी जीना भूल जाते हैं, हम खुशियां हमें नहीं मिलती, हम दुखी हो जाते हैं, कहीं पे बॉडी पे पेन होता है, कहीं पे कुछ ना कुछ दर्द रहता है। तो हमें अगर अच्छा अच्छा खाएंगे, प्राकृतिक आहार खाएंगे, जो गैस पे पकाया नहीं है, जो अमृत है, जो धरती माँ ने बनाया है, वो ही हमें आहार खाना है। तो ये कितना अच्छा कैरेट है, मुझे ये कलर फेवरेट कलर है मेरा, ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर के ये कैरेट है, ये मीठे भी है और हेल्दी भी है, गैस भी चालू किए बिना हम इसकी वैरायटी बना सकते हैं, लॉट्स ऑफ वैरायटी बना सकते हैं। तो बातें करते करते देखो, इसके स्किन भी मैंने निकाल दी और अभी आपके सामने ये जितने भी मेरे कैरेट हैं वो सारे मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। इंस्टेंट रेसिपी है, 5 मिनट में बन जाती है, कोई पहले कोई प्रिपरेशन भी करनी जरूर नहीं है, लेकिन ये इतनी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कद्दूकस करने के लिए। तो ये सारे कैरेट मैं कद्दूकस कर लेती हूँ। ये जो कैरेट है उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है, बिल्कुल ऐसे ही छीन लिया है इसको। अभी इसके अंदर हम मिल्क नहीं डालने वाले हैं, ये वेगन है हमारा हलवा, तो इसके लिए मैंने मगजतरी का बी लिया है, मतलब कि मेलन सीड्स, वाटरमेलन के जो सीड्स आते हैं वो सीड्स, उसको कुछ भी किया नहीं है, ये बहुत ही हेल्दी है और ये नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर आपको चाहिए तो आप हमें ऑर्डर कर सकते हो, हम कुरियर से आपको भेज सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है हेल्थ के लिए। ड्राई फ्रूट जो 1000 रुपीज़ का केजी आता है, उससे तो ये आधी कीमत से भी कम कीमत में ये पड़ जाता है और ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो ये जो है उसको मैंने
दो कैरेट लिए हैं, मतलब कि 200 ग्राम कैरेट लिए हैं, और उसके साथ मैंने 100-200 ग्राम जितना ये कटोरी में जितना आया इतना, मैं हमेशा प्रिसाइज नहीं रहती हूँ कि 100 ग्राम लेना है या 200 ग्राम लेना है। आप अपने माप के मुताबिक कुछ भी ले सकते हो, 200 ग्राम से 100 ग्राम तक लेना है। तो मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। पानी नहीं डालना है, सिर्फ पाउडर करना है। ये जो हमारा पाउडर है वो हमारा जो हलवा होता है उसको बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, मिल्क की कमी को पूरी कर देगा। और ये जो कैरेट है इसके अंदर भी ऑलरेडी मॉइस्चर होता है, तो हमें पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और हमें टेस्ट के लिए 5 मैंने ये जो इलायची आती है उसका मैंने 5 इलायची का पाउडर लिया है, तो वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। हमारा हलवा जो है वो टेस्टी बनना चाहिए, एकदम स्मेल आएगी इसमें। और इसके साथ साथ मैंने 100 ग्राम जितना गुड़ लिया है, तो ये गुड़ भी बिल्कुल लिक्विड है। इसके अंदर मैं ये जो गुड़ है उसको मैं मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करने में 5 मिनट लगेगी, क्योंकि ये जो गुड़ है वो अभी बारिश के वजह से थोड़ा सा गीला हो गया है। तो ये गुड़ वैसे तो बहुत ही हेल्दी है, ऑर्गेनिक है, गुड़ भी हमारी खुद की प्रोडक्ट है। ये NDS की प्रोडक्ट नहीं है, ये मेरी नेचुरोपैथी की प्रोडक्ट है। NDS में सिर्फ सीजनल, रीजनल, नेचुरल, ओरिजिनल ही यूज़ करना है, लेकिन स्वीटनर के लिए गुड़ और काकवी ऐसा सब कुछ हम यूज़ करते हैं। हमारा मकसद ये है कि आप हॉस्पिटल में ना जाओ, बीमार ना पड़ो, और आप सदा तंदुरुस्त रहो। उसके लिए परमात्मा ने जो भी बनाया है उसका जितना भी सत्व है, तत्व है, वो सात्विक आहार है। हमें उसको कोई भी प्रोसेस करके गैस पे जला के भ्रष्ट नहीं कर देना है। हमारा जो भी पोषण मिलना चाहिए हमारे शरीर को, वो सारा मिल जाए, इसके लिए हमें जो भी है वो प्राकृतिक आहार ही लेना है। तो ये जितना भी इंग्रेडिएंट्स है वो सारा मैं हाथ से मिक्स कर लेती हूँ, क्योंकि जो गुड़ है वो और ये जो हलवा है वो दोनों को बिल्कुल मिक्स कर देंगे। उसमें से थोड़ा सा बाइंडिंग आएगा पानी की, पानी से उसका जो नेचुरल रस होता है उससे ये बाइंडिंग आएगा। तो ये सारा का सारा मैं मिक्स कर देती हूँ ऐसे हाथ से, 5 मिनट मसल देना है। तो ये सारा हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। अगर आपको हाथ में ग्लव्स पहन के भी ये करना हो तो कर सकते हो, अगर घर में बहुत सारे लोगों का बनाना हो तो हाथ में ग्लव्स का भी यूज़ कर सकते हो। तो ये जो हमारा हलवा है उसको 5 मिनट मसल देते हूँ। तो ये जो मेरा कैरेट का हलवा है वो सारा मैंने मिक्स कर लिया है, बिल्कुल जो हम पका के बनाते थे उससे 2 गुना टेस्टी है, सात्विक है, बहुत ही नेचुरल है। तो इसको मैं, ये जो हमारा पॉट है इसके अंदर मैं सर्व करती हूँ। ये आज का आज खा लेना है, डब्बा भर के फ्रिज में रखना नहीं है। थोड़ा सा बनाइए, आज ही खा लीजिए, हमेशा फ्रेश खाइए। फ्रिज में भर के खाने से भी बीमारियाँ आती है। कई कई लोग तो सुबह का चावल, शाम की खिचड़ी, दूसरे दिन फिर से उसका तड़का देके खाना बनाते हैं। इससे सिर्फ गैस होता है, बीमारियाँ आती है और पूरे शरीर में पेन होता है। तो ऐसा हलवा फ्रेश 5 मिनट में बन जाता है। इसमें जो हम रोटी सब्जी दाल चावल बनाते थे तो उसमें तो वन आवर हो जाता था, ये 5 मिनट में हो जाता है। इसको गार्निश करने के लिए मेलन के जो सीड्स मैंने लिए थे वो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। तो ये भी बिल्कुल रेडी हो गया है। तो मैं आपको मेरे एक पेशेंट की बात बता रही हूँ कि एक पेशेंट का, ऐसा साधक का ऐसा कॉल आया था कि ये न्यू डाइट सिस्टम है, हमें आज से चालू किया है, 10 दिन हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तो मेरा कहना ये है कि आपने 50 साल, 40 साल या 60 साल तक सुबह में, शाम को, रात को, दोपहर में पका पका के गलत आहार खाया है,
मृत आहार खाया है, विकृत आहार खाया है, सत्व तत्व का नाश करके खाना खाया है। और फिर अब जब अमृत खाना चालू किया तो सिर्फ 10 दिन में कैसे रिजल्ट मिलेगा, इसको भी हमें तप करना पड़ता है। ये हमारी साधना है, इसमें धीरज रखनी पड़ती है। तो साधना में धीरज कितने दिन रखनी है, तो कम से कम 120 दिन, मतलब कि 4 महीना। और उससे अगर फर्क तो हमें 10 दिन में 1% तो पड़ना चालू हो जाता है, लेकिन हमारा बॉडी में जितने भी टॉक्सिन है, जितने भी विष द्रव्य है, वो सारे के सारे निकलने में 120 दिन लगते हैं। तो ये साधना है, इसको हमें धीरज से करनी पड़ेगी। हम ऐसा इंस्टेंट नहीं देते हैं कि आज गोली ले ली सर उतर गया, या इंजेक्शन दे दिया तो पेट में अच्छा हो गया, या ऑपरेशन कर दिया तो नी में काम हो गया। लेकिन नी में कभी काम नहीं चलता है, नी रिप्लेसमेंट करा दो तो भी कभी भी नी स्वस्थ नहीं होते हैं। लगातार हम जब न्यू डाइट सिस्टम से जुड़ जाएंगे, 4 महीने तक साधना करेंगे, धीरज रखेंगे, परमात्मा के ऊपर विश्वास रखेंगे, तो हमें जरूर फल मिलता है। मैं धीरज की बात करूं कि मैं बहुत सारे पेशेंट को जो भी चाहिए, एनीमा पॉट चाहिए, या सुजाता ज्यूसर चाहिए, या ऐसे मेलन के सीड्स चाहिए, या कोको पाउडर चाहिए, तो ये सारा का सारा जो ऑर्गेनिक है, जो हेल्दी चीज़ें हैं, वो जो मैं यूज़ करती हूँ, वो मैं सबको कुरियर से भेजती हूँ। तो सभी लोग जैसे आज पैसे देते हैं कुरियर के या फिर सामान के, तो इंस्टेंट ऐसा पूछते हैं कि कब आ जाएगा, हमें कुरियर का नंबर दे दो या हमें ट्रैकिंग करने का नंबर दे दो। तो हमें थोड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हम कितना भी जल्दी सामान भेज दे, तो मेरे तो सामान दे दिया, लेकिन कुरियर वाले से आपके यहाँ पहुँचने में कभी कभी 2 दिन लगते हैं, कभी 10 दिन लगते हैं, कभी 15 दिन लगते हैं। फिर लगातार आप 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, हर रोज सुबह उठ के एक ही क्वेश्चन करते हो कि मैम अभी कुरियर पहुंचा नहीं है, अभी कुरियर पहुंचा नहीं है, कब आएगा कुरियर, कब आएगा कुरियर। तो जैसे कोई भी लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी लिमिट होती है कि 9 महीने के बाद बेटा होगा या बेटी होगी, तो वो तो हमें पता है कि 9 महीना। तो वैसे ही मेरे यहाँ अहमदाबाद से आपका घर जम्मू में है, या यूपी में है, या एमपी में है, बिहार में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, बॉम्बे है, सब जगह पे मेरे कुरियर जाते हैं। तो मेरा कुरियर तो आज के आज यहाँ से निकल जाता है, लेकिन कुरियर में यहाँ से वहाँ आने में धीरज रखनी पड़ती है। आपने पैसे दे दिए, आपने 2000 दिए या 200 रुपये दे दिए, तो ऐसा नहीं है कि मैं 2000 लेके मैं ये हेल्थ सेंटर बंद करके फिर कहीं गायब हो जाऊंगी। मुझे भी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी चिंता होती है कि एज सुन एज पॉसिबल हम आपका कुरियर आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए, ऐसी सगवड़ करते हैं। तो आप धीरज से हमें सपोर्ट कीजिए, ऐसा ना हो कि सुबह शाम एक ही आंसर कि कब पहुँचेगा, अभी आया नहीं, क्यों नहीं आया, पैसे जमा कर दिए हैं, पहुंचा नहीं, टूट गया, फूट गया, क्या हो गया, कहाँ है। तो ऐसा ना कीजिए, धीरज रखिए, तो सभी चीज़ हमेशा समय पे मिलता है। जैसे मुझे भी ऐसा होता था कि मैं 15 साल की थी तब से आपको ये वीडियो दिखाऊं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था। तो समय आया, तो समय अभी आया, तो अभी मैं आपको वीडियो बना के दिखा रही हूँ। तो वैसे ही हर चीज़ का समय होता है। जब भी मेरा सन जो है वो मैंने बहुत जल्दी से शादी कर दी थी, तो मेरा सन जो है वो बहुत जल्दी बॉर्न हुआ था, तो मेरी सारी सहेलियां सभी उस वक्त घूमती थी, फिरती थी, पिक्चर्स देखती थी, कॉलेज जाती थी। तो मुझे ऐसा दुख होता था कि मेरा इतना छोटा बेटा है, मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। लेकिन परमात्मा जो भी करते हैं उसके पीछे कुछ कारण होता है। अभी देखो ये आपके सामने ये यूट्यूब पे हर रोज़ मैं वीडियो देख रही हूँ, तो मेरा बेटा इतना ये यूट्यूबर बनाने में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो अभी मेरी खुद की वीडियो मुझे बना के हर रोज़ देता है। तो मैं पहले ऐसा सोचती थी कि बेटा क्यों इतनी जल्दी आ गया, तो बेटा इसीलिए भगवान ने दिया था कि मैं आपको यूट्यूब की वीडियो बना के दूँ। तो हर चीज़ के पीछे समय होता है, या हर चीज़ के पीछे कारण होता है। तो जब भी आप कुछ भी चीज़ मंगवाने का ऑर्डर करो तो कृपया धीरज रखिए। वैसे ही ये धीरज से हमारी ये जो हमारी रेसिपी है वो भी बन गई है। इसमें
खमन होते हैं, ढोकला होते हैं, डोसा होते हैं, उसमें सभी इंस्टेंट चीज़ें बनती है। तो ये तो ऐसी चीज़ है जो परमात्मा ने बनाई हुई है। कैरोट है उसको मैंने सिर्फ कद्दूकस किया है, ये जो मगज के बी है उसको मैंने पाउडर किया है, सारा का सारा असेंबल कर दिया है। गेस्ट आने वाले हो उसके 10 मिनट पहले अगर आपके घर में ऐसे इंग्रेडिएंट्स होंगे तो आप जल्दी से जल्दी क्विक रेसिपी मिठाई बना दोगे। तो ये ऐसी मिठाई है कि अगर बच्चे का बर्थडे हो तो भी आप खा सकते हो, संडे सभी घर पे हो तो भी खा सकते हो, या फिर आपके यहाँ पे गेस्ट आने वाले हो तो भी खा सकते हो। कुछ नया लाए हो घर में, जैसे कार लाते हो या नया कुछ घर में इंस्ट्रूमेंट नया लाते हो, तो मुंह मीठा करने के, एक दूसरे का मुंह मीठा करने के लिए भी ऐसी हलवा आप बना सकते हो। तो ये कैरेट का हलवा रेडी हो गया है, तो ऐसा हलवा आप भी बनाइए। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी उसका फीडबैक हमें YouTube के कमेंट बॉक्स में दीजिए। हमेशा स्वस्थ रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो। मुझे हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो फ़ोन कर सकते हो, मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 और मेरा कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक का। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम। मैं ये हलवा चख लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि कैसा बना है। तो ये जो मेरा बाउल है इसके अंदर मैं थोड़ा सा हलवा निकाल के टेस्ट करती हूँ कि कैसा बना है। एकदम टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है, एकदम मीठा है। बाहर की स्वीट्स को भूल जाओगे जब आप ऐसा अपना खुद के हाथ का मिठाई खाओगे, घर में सबको खिलाओगे, सब घर में खुश हो जाएंगे। वेगन चीज को ज्यादा से ज्यादा एडॉप्ट कीजिए, दूध और दूध की प्रोडक्ट को भूल जाइए। मावा और मिठाई जो होती है वो हमारे है सेहत के लिए बहुत ही गलत चीज है। तो आप ऐसा अगर मावा बनाना हो तो मगज के बीज से आप मावा बना सकते हो। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आपके मोबाइल में जितने भी फोन नंबर्स है, जितने भी ग्रुप्स है, वो सभी को फॉरवर्ड कीजिए। हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन, तो आप भी उसमें सहभागी हो जाइए, आप भी स्वस्थ हो जाइए। पूरे वर्ल्ड को हमें स्वस्थ करना है। मेरी आत्म कल्याण की भावना और पूरे विश्व की कल्याण की भावना से मैं ये यूट्यूब की चैनल बना रही हूँ, तो आप हमें फीडबैक दीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।